आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। आवाज घोटाला। उत्तर प्रदेश में सूबे के मुखिया योगी जी जहां एक ओर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए अधिकारी की लगातार क्लास ले रहे हैं, वहीं कुछ अधिकारी अपने रवैये को अभी तक बदल नहीं पा रहे। लगातार कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है उन्नाव की पूर्व विधानसभा के अंतर्गत आने वाले विकास खंड असोहा के बेला उरा का, जहां ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव के द्वारा लोहिया आवास इंदिरा आवास के आवंटन में जमकर लूटपाट की गई। दरअसल इस गांव में पहले भी ग्राम विकास अधिकारी व खंड विकास अधिकारी के ऊपर विभाग ने निलंबन की कार्रवाई तक कर डाली, लेकिन करोड़ों के हुए भ्रष्टाचार में निलंबन की कार्रवाई मात्र दंड से अब इन अधिकारियों को भय नहीं रह गया। इसीलिए लगातार ये अधिकारी वेतन के अलावा इस प्रकार की मलाई खाते ही रहते हैं। अपात्रों को दिए गए आवास से रिकवरी तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा दोषी प्रधान और पंचायत अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी के ऊपर FIR के आदेश भी हुए थे, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव श्रीकांत ने धन की लालसा के चलते आला अधिकारियों को भी अपने तलवे चाटने पर मजबूर कर दिया। लूट के धन का ऐसा बंदरवाट हुआ कि योगी सरकार में श्रीकांत जैसे भ्रष्ट और लुटेरे अधिकारी असोहा ब्लॉक को दीमक बनकर खोखला करने में जुटे हुए हैं। किस्मत का धनी श्रीकांत पंचायत सचिव इस पर विभाग भी मेहरबान है, क्योंकि क्षेत्र से आंदोलनकारी नेता श्री हृदय नारायण दीक्षित का विधानसभा अध्यक्ष बनना क्षेत्र से नाता टूटना ऐसे लुटेरे अधिकारियों के लिए वरदान साबित हुआ, जो गरीबों के हक पर दिन दहाड़े डाका डाल रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? शिवलाल। शिवलाल, आपको कॉलोनी मिली? नहीं मिली साहब। क्यों? आई थी कॉलोनी, दूसरे को दे दी गई। कहीं शिकायत किया? हाँ, शिकायत DM से किया है, कप्तान से किया है, DIG से किया है। जांच वाच हुई? जांच आई, जांच भाई नहीं साहब, ऐसे भाग गए, हड़काया पड़का के हमको भगा दिया गया। किसने हड़काया? प्रधान के समर्थकों ने। क्या कहा? कहा तुम्हारे नाम कोई कॉलोनी नहीं है, भाग जाओ। सूची में नाम था? हाँ, सूची में नाम था। वो कॉलोनी जब मिल गई तो जांच करने अधिकारी घर पहुंचे थे? घर नहीं पहुंचे, यहाँ दूसरी जगह बुलाया गया था हमको, गांव में। कहाँ पर? यहीं इसी मोहल्ले में, ये चौराहे के पास। कौन 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 अधिकारी आए थे? यहाँ हेलोली BDO आए थे। क्या नाम है? राजू। राजू, क्या मामला है? मामला 5000 रुपये लेना है। किस बात के लिए था? आवास के लिए। आवास का? किसने लिया था? सुरेश प्रधान। क्या कहा था? कहना 14000 रुपया तुमका आवाज दे दिया भाई, 5000 हमका दे दियो। आवाज तो 14000 में आता नहीं है, 70 वाला देंगे। अच्छा, 70 वाला, तो उसमें पैसे दिए थे? क्या कह के लिया था? कहना 14000 भाई तुमका देवा दे भाई, और 5000 हमका दे दो, 5000 खर्चा होते हैं सबका दिए पड़ते हैं। इसके लिए कहीं शिकायत उकायत किया? शिकायत की ना, प्रॉब्लम की ना है, और गांव में आया है भैया माता में वीडियो सब मौका करना है। तो कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें जांच जिला विकास अधिकारी तरफ से की गई थी आवासों की, उसमें जो आवास अपात्र पाए गए थे उनसे वसूली की कार्रवाई की जा रही है, और जो पात्र हैं वो बनवा रहे हैं। जैसा कि जानकारी में आया है कि डबल स्टोरी कॉलोनी के ऊपर कॉलोनी बनाई जा रही है, इसके विषय में क्या आपकी? ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है, और ये गलत है, अगर होगा तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। और जैसे पैसे लिए गए हैं जो आवासों के नाम पर, पैसे मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझे अभी करीब एक महीना हुआ है आज। समाचार हेतु जैक के लिए उन्नाव से प्रभा भास्कर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार।